हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके हैं सुपर डांस और ढोल बीन बाय आर दिल टीम। एंड ये जो है लाइक लोगों ने भेजा, लाइक हमने ढोल वालों का रिएक्शन किया हुआ है। एंड पाकिस्तान में ढोल कल्चर बहुत ही तगड़ा है। लाइक वहाँ पे जो ढोल वाले होते हैं वो स्पेशली बुलाए जाते हैं, उनका मतलब हमारा भी बुलाया जाता है, पर लाइक उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। शादी में ढोल वालों को जरूर बुलाया जाता है, पर ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं होती जैसे यहाँ पे देखा है मैंने। लाइक स्पेशलिटी बुलाया जाता है, उनके अपने एक धुन होती है, सब चीज़ होती है। लाइक उनके अपने यूट्यूब चैनल से मैंने देखा ढोल वालों के, एंड वो बहुत सही कर रहे हैं, अच्छे तरीके से उसको पेश कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे अब उस पर है कि लाइक उस ढोलों के ऊपर कैसे किस तरीके से लोग डांस करते हैं, एंड उसकी अलग डांस टीम भी है, तो अब कुछ इंटरेस्टिंग है तो हम तो ज़रूर देखेंगे। और हमने पुराने वीडियो में देखा भी, लाइक बेस्ट 3 ढोल बजाने वाले कुछ ऐसा करके देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन उसमें दिखाया था कि एक लड़की भी थी, और इंडिया में मोस्टली लड़कियां ढोल नहीं बजाती, मैंने तो कभी भी नहीं देखा है। इवन वो पहली लड़की थी जिसको मैंने ढोल बजाते हुए देखा, और मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी। और वो लोग बिल्कुल अलग अलग उनके फॉर्म्स थे बेसिकली ढोल के, तो मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और आज भी हम इसमें ये देखने वाले कि लाइक वो कैसा ढोल बजाएगा और लोग कैसा डांस करेंगे, क्योंकि इंडिया में तो स्पेशल मतलब कुछ फेमस डांस स्टेप है तुम्हारे, एक तो तुम्हारा जलेबी वाला, एक नागिन वाला, लाइक ये तुम्हारे हर जगह होती होते। तो मैं देखना चाहती हूँ पाकिस्तान के फेमस डांस स्टेप कौन से, तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है। वैसे नागिन वागिन को डांस नहीं कहते, वो तो बस निकल जाता है ऐसा। हाँ, तो देखते हैं फिर ये कैसा है, देखते हैं फिर, आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाह वाह, इतनी लचक तो कुछ लड़कियों में नहीं होती। सही में, और इसके बाल भी कितने सिल्की से और सुंदर से हैं। हाँ। सही में। ओए होए, ओए होए, ओहो। वू। वाह। सही डांस कर लेते हैं यार। वाह वाह, ओ फिल्म फिल्म में लो यार, हीरो वाले लुक से। अरे बेसिकली ग्रुप है, कपड़े भी सेम है। वाह यार क्या कमर है, और कितने सुंदर लग रहे हैं ये लोग। वही किधर, और छत पे कर रहे हैं, इतना मस्त ब्यूटीफुल लग रहा है। लाइक कहीं फंक्शन होते हैं छत पे करवाते हैं वैसा। ओहो वाव, ये इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं यार, ये राजस्थान में बहुत यूज होता है। हाँ है ना। ओए होए होए, वाह क्या बात है। ओहो वाह क्या लचक है यार। सही में यार, लड़कियां हार मान जाए एक बार, मैं सही बोल रहा हूँ। और पूरे ग्रुप में है, ये नहीं एक ही जन में। और सब दिखा रहे अपना टैलेंट, सी देखो कि मैं कितना अच्छा डांसर हूँ। सुपर है, वो ऐसा लग रहा है वो नया नया लड़का थोड़ा सीख रहा है, देखे बाकी एक्सपीरियंस है। ओए हेड मूवमेंट देख, वही देख रही हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है। ऐसा लग रहा है खुद से कर रहे हैं, पर है पूरा सिंक्रोनाइज्ड।
और कितना एंजॉय कर रहा है ये, सही में एंजॉय करवा रहा है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है। और कोऑर्डिनेशन इनकी बहुत अच्छी है। ऊपर से इनका जो कुर्ता स्टाइल है वो भी मस्त है, ग्रीन कलर। सबसे ये सबसे अच्छा डांस इस सिल्की बाल वाला कर रहा है, सही में ये मेन आर्टिस्ट है उनका, समझ लो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी, और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि लाइक इनकी कोऑर्डिनेशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी, और दूसरे से दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे थे, क्योंकि देखो एक तुम्हारे सिर्फ ढोल पर बजाना, तुम्हारे इसमें कोई म्यूज़िक नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ डांस करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, और ये बिल्कुल ढोल बज रहा और सिर्फ उस पर डांस कर रहे हैं, और मोस्टली वो लोग बोर हो ना हो लेकिन ऑडियंस बोर हो जाती है, लेकिन हम एज एन ऑडियंस मैं बोर नहीं हुई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंटरटेन मैं बहुत ज़्यादा हुई। और सबसे अच्छा लगा मुझे उस सिल्की बालों वाले का डांस, उसके बाल भी बहुत सुंदर थे और उसके डांस भी उसने बहुत सुंदर करा, लाइक मैं एक टाइम के लिए भी बोर नहीं हुई, मुझे ये वीडियो सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इनका बेसिकली एक ग्रुप था, शायद ये प्रैक्टिस कर रखी होगी इन्होंने, ऑब्वियसली इन्होंने प्रैक्टिस ही करी है तब इनका इतना क्लीन आया, वो ऐसा लग रहा था कि लाइक कोई कहते हैं ना वो एफर्टलेसली डांस करना, वो था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। वही इतना ब्यूटीफुल था, एंड सबके ड्रेसअप्स इतने अच्छे थे, एंड जो साथ में जो बीन बजाने वाले थे, फिर जो पूरे ढोल बजा रहे थे वो इतने शानदार, इतने साथ मैच कर रहे थे, वो कैसे वो ढोल ढोल पे लीन हो गया था। हाँ। तो उसके बाद वो ढोल भी आराम से नीचे जाई जा रहा है, एंड साथ में उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वरना कुछ इधर उधर हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती थी। एंड यार उनकी जो खुशी थी ना मुंह पे, उसको देख के आपको भी खुशी होने लग जाए, इस तरीके से वो लोग इन्जॉय कर रहे थे एंड आपको फील करवा रहे थे कि यार सेलिब्रेटरी मूड था पूरा पूरा। तो ये और ऊपर से छत के ऊपर और था, ऑफकोर्स ये मेरे ख्याल से थोड़ी ऑडियंस दिखाते हैं, थोड़ा वो दिखाते हैं ना फेस्टिवल क्या है, किसके लिए कर रहे थे, तो और मज़ा आता देखने के लिए, बिकॉज कोई एक इवेंट में ऐसी चीज़ होती है ना तो और ज़्यादा खुशी होती है, बिकॉज या तो मान लो शादी हो रही हो या कोई चीज़ हो रही हो सेलिब्रेशन के टाइम पे, तो यार बहुत कमाल का था ये। मेरे ख्याल से एक ढोल अलग ही है और ढोल का डांस अलग ही है, तो इसकी और वीडियोज़ होता है आपको जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।